नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पूनम स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं बनाने वाली हूँ बोड़ो की सब्जी, यानी कि बीन्स। तो ये मेरा बोड़ो का खेत है। कुछ देखो कैसे बीन्स लगे हुए हैं, तो मैं इसे तोड़ने वाली हूँ। तो मैं यहाँ से ताज़े बीन्स ले रही हूँ। बोड़ो की सब्जी आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये देखिए बोड़ो है, तो मैं तोड़ ले। वेल दोस्तों, देखो मैंने इतने सारे बीन्स तोड़ लिए हैं। और ये देखो कोरिएंडर लीव है यहाँ पे, तो इसे भी मैं तोड़ लूँगी। देखो कितने हरे भरे हैं, तो मैं कुछ इस तरह से इसे तोड़ ले रही हूँ। पर इसे हेलो हाय बोलो सबको। कैसे हो आप सब, पूछो। कैसे हो आप सब? हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बोलो। हमारा चैनल यहाँ पे बेटा, यहाँ पे बोलो। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस परी के लिए एक लाइक तो बनती है, तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं घर पे, चलिए। हेलो फ्रेंड्स, अब ये देखिए बीन्स मैं कट करने वाली हूँ, यानी कि बोड़ो। हम बोड़ो बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ कुछ इस तरह से पसुल पे। तो ये मैं ताज़ा अपने खेतों से तोड़ के लाई हूँ। वेल फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी डॉटर इन लॉ यहाँ पे प्याज छील रही है। तो ये मुझे बहुत हेल्प करती हैं किसी भी चीज में, और थोड़ी थोड़ी चीज में गुस्सा भी हो जाती हैं। वेल फ्रेंड्स, मैंने गैस को ऑन कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, जैसा कि ये मेरे घर का ऑयल है। अब मैं इसमें तड़के में डालूंगी मेथी के कुछ दाने। मेथी जो है, दाने इसके लाल हो गए, तो मैं इसमें तेजपत्ता डाल रही हूँ। मैंने दो प्याज लिए मेथी साइज के, और हरी मिर्च जो कि मैंने साथ में ही डाल दिया है। इसे हल्का सा मैं भूनूंगी, फिर इसे ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं इसमें ये बीन्स डाल दूंगी, यानी कि बोड़ो। और तब तक मैं मसाले में क्या पीसूंगी ये बता दे रही हूँ। वेल फ्रेंड्स, मैं अदरक लहसुन इसका पेस्ट बनाऊंगी, और ये धनिया के दाने, जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, इसे पीस लूंगी मैं सिलबट्टे पे। तब तक ये भी लाल हो चुका है, हमें पूरा लाल नहीं करना है। तो मैं ये इस तरह से इसमें डाल दूंगी। प्याज के साथ ही हमें इन्हें भूनना है। इस तरह से ये मसाला पीस रही हूं। तो ये मसाले पीस गए हैं, तो मैं इसे उठा लेती हूँ। तो हल्का सा पानी डाल के इसे भी सब उठा लेती हूँ। इट्स डन, डन डन डन। वेल फ्रेंड्स, ये जो बीन्स है थोड़े नरम हो चुके, तो मैं इसमें आलू डाल दे रही हूँ। मैंने तीन बड़े मीडियम साइज के आलू लिए हैं, तो इसे भी भूनना है। आलू के बिना कुछ हो नहीं सकता, हर एक रेसिपी में आलू डलती है। तो मैं आलू को भी इसे भूनूंगी 10 मिनट के लिए। वेल फ्रेंड्स, अब मैं इसमें हल्दी ऐड करने वाली हूँ, और साथ ही साथ मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और इसी समय मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, आप भी डालिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने नमक डाल दिया है मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग। एक कटोरी में इसमें टमाटर डाल रही हूँ, और टमाटर डालने के बाद ही मैं ये जो मसाले पीसे थे ये डाल दूंगी, और मैं इसमें हल्का सा पानी डाल दूंगी, और इसे भून लूंगी मैं 2 मिनट के लिए। अच्छी तरह से मसालों को हमें भून लेना है। तब मैं इसमें पानी डालने वाली हूँ। अब मैं ज्यादा पानी नहीं डालूंगी, तो मैं यहाँ पे 1 कप पानी डाल रही हूँ आलू को पकने के लिए। तो
आज तो मैं इसे 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, फिर अपनी सब्जी तैयार हो जाएगी। वेल फ्रेंड्स, ये सब्जी ऑलमोस्ट डन है। मैं आलू को देख रही हूँ पकी है कि नहीं। तो ये बोड़ो की सब्जी हो गई है तैयार। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये डन, तो मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो देखिए कैसी बनी है सब्जी। तो मैंने गैस को कर दिया है बंद। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिए ख्याल। बाय बाय।